अकेले ही खा जाना चाहती है? मनुष्य देखकर राल टपक आई? आज के भोजन के लिए ही बहुत है। ऐसा न कहो भैया, इसे तो मैं अपना हृदय दे बैठी हूँ। क्या अपने कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं तुझे, जो मनुष्य जाति को हृदय दे बैठी? सारी राक्षस जाति में थू थू करवाएगी मेरी। प्रेम जाति का भेद नहीं मानता भैया। नारी जाति पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती?
नहीं अर्जुन, एक से दो का युद्ध करना युद्ध के नियमों का उल्लंघन है। देवी, अब तुम निर्भय होकर जा सकती हो। जिस राक्षस ने तुम पर हाथ उठाया था उसको मैंने यमलोक भेज दिया है। ये राक्षस मेरा भाई था वीर पुरुष। भीम, भीम मेरे पुत्र, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ माता श्री। हे देवी, मुझे अपने इस पुत्र की सेवा के लिए स्वीकार कीजिए। जोड़ी तो अच्छी रहेगी माताश्री। आपके दुलार ने से बहुत बिगाड़ दिया माताश्री। कहा तो इसने ठीक ही था अनुज। माताश्री आप भी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हिडिंबा है और ये था मेरा भाई हिडिंब। मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए देवी। इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है माताश्री? ये तो स्वयं हम सभी ने देखा है कि अपने भाई से भीम के युद्ध में ये राक्षस कुलकन्या मेरे अनुजी का साथ दे रही थी, तो इस कारण तो अनुज भीम पर इसका भी अधिकार सिद्ध हो जाता है। परंतु भीमसेन को हम यहां तो नहीं छोड़ सकते और इस राक्षस कुलकन्या का निर्वाह हमारे साथ कठिन लगता है। यदि आपके ज्येष्ठ पुत्र का यही विचार है तो हे देवी, मुझे अपने चरणों में प्राण त्यागने की आज्ञा दीजिए। परंतु जन पर तो किसी का अधिकार नहीं होता, तो आपके ज्येष्ठ पुत्र मुझे मेरे जन्म का दंड क्यों दे रहे हैं? प्रेम अवश्य मेरा अपना है और यदि इसमें कोई खोट हो तो अवश्य मुझे धुतकार दीजिए। हिडिंबा, मेरा पुत्र भीम सदैव ही तो तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। मैं ये जानती हूँ देवी, संतानवती होते ही आपके पुत्र को आपके पास पहुंचा दूंगी। क्या आदेश है माते? धर्म क्या कहता है पुत्र? आप जैसी माता का आदेश ही परम धर्म है। आपके चरणों में हूँ माते, मेरी रक्षा कीजिए। सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा।
बधाई हो मंजले भैया। तनिक भाभी की ओर देखो छोटे भैया, मैं निश्चिंत हूँ कि मंजले भैया को ससुराल में भोजन का कोई कष्ट नहीं होगा। तो तुम भी चलो लल्ला साथ, भर पेट खिलाऊंगी। भारत।